भाई, मेरा नाम बदर शाही है। मैं तकरीबन 10-12 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। सही है, पहले की बात पूछ रहे थे, अब की बात पूछ रहे। गवर्नमेंट बोलता है कि सीएनजी निकाले, वहाँ परेशान नहीं हो। मैं अब तो एलपीजी से भी ज़्यादा जो है ना सीएनजी में परेशानी है। हफ्ते में एक दिन, कभी दो दिन, कभी तीन दिन भी बन जाता, मगर अभी तो रेगुलर हफ्ते में एक दिन बने। सही है, और आए दिन परेशानी है, हैं हंगामा, ये वो, ऊपर से खिंची निकल गया, ये ड्रामा लगे, उसके बाद जो ना कभी सीएनजी हो ना हो, हैं बाकी पास में जो ना जैसे सवारी तो होते ही नहीं है। ऊपर से अगर बंदा टाइम भी लगा ले ना, अगर टाइम भी लगा ले तो ऐसा है कि रात को पुलिस अलग तंग करती है, जेबों में चरस वरस डाल के जो ना जितने भी दिन में बंदा मजदूरी करता है, घर के लिए सेहत रोटी कमाता, वो पुलिस वाले छीन लेते हैं और गाली गलौज जैसे करते हैं जैसे कि एक कोरस करा हुआ इन लोगों ने, और बोलता है कि मुआवजे दे। वो सन्नाटे में रोक लेता, अपने मौके से फायदा उठा लेता, जेब में हाथ मार के जो ना चरस वरस डाल के निकाल देता। और अपना अगर हम खुद बोलते हैं भाई हमें लेके चलो, जब हमारे चीज से एक मंशिया जब बरामद हुई है, हमें थाने लेके चलो, गाड़ी भी बंद करो, हमें भी बंद कर दो, वो सुनते नहीं है। वो बोलता साहब जाएगा, तुम जाएगा, अंदर जाएगा, तुम्हारे घर तो परेशान हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम क्या नाम है, इसी में तुम्हारा बेहतर है कि तुम जो पैसा है वो दे दो। कुल्लम कुल्ला बदमाशी और नेगेटिव खुद तो वही कर रहा है। गाड़ी बाड़े में चला रहा हूँ, घर पे जो ना घर भी किराए का है, हम सुबह निकलते हो तो शाम को हमें कुछ पता नहीं चलता यार घर का खर्चा किस तरह पूरा कर। बाद दफा तो ऐसा भी होता है कि एक जगह में दिया, दो जगह में दिया, पूरा दिन में जो ना 400-500 तो ऐसे ही चले जाता है। फिर उसके बाद भाड़े अलग चढ़ जाते हैं, सब कुछ है। गवर्नमेंट के बाद क्या नहीं है भाई, सब कुछ है यार। गवर्नमेंट तो हमारे गवर्नमेंट तो बस नाम का है, सबको तंग करके रखा हुआ, लाइट से लेके, पानी से लेके, बिजली, हर चीज़ सीएनजी से लेके, एलपीजी से लेके, सबके सब चीज़ ऐसा बढ़ाया हुआ जैसे आसमान है। आवाम जो है ना बिल्कुल करोड़पति है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो कुर्सी में बैठ के बस ऐश कर रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है, जिस हालत से गवर्नमेंट आवाम को चला रहे ना, बहुत मुश्किल है। बच्चा अगर पढ़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है गरीब के लिए। तो भाई यही बस मेहनत मजदूरी भी जो ना समझ लो, हलाल का तो है ही नहीं, हराम का करना पड़ेगा जिस हिसाब से गवर्नमेंट चला रहा है। और गवर्नमेंट बोलता है कि बच्चों को पढ़ाओ, आप लोग पढ़ाते नहीं हो, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हो, ये तो गवर्नमेंट सिखा रहा है, लगाओ तुम बच्चों को, फुटपाथ में ले आओ, किसी को चप्पल सीने में लगवा दो, किसी को जो ना कागज चुनने में लगा दो, किसी को छोले बेचने में लगा दो, तो गवर्नमेंट खुद चाह रहा है। और बोलता है कि हमारे ऊपर इतने कर्ज, कर्ज किस बात में, कौन सा ऐसा गरीब है जिसको तुमने बंगला खरीद के दे दिया, गाड़ी दे दिया, दिखा दो इतने सारे, कितने आवाम है पूरे कराची में, कितने आवाम है, एक दो चार आवाम ऐसे दिखा दो जिससे गवर्नमेंट ने हेल्प किया हो। मानते हो वाकई में कर्ज लिया, इस गरीब के लिए लिया, किसके लिए लिया, अपने लिए लिया। गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप पढ़ा रहा, वो बोलता है ये देश अदगर्द पढ़ना क्या है, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, मर तो गरीब है भाई। और बोलते हम अभी जो ना बच्चा अभी अमेरिका का मकरूज है, किस बात में मकरूज है, पैसा ही गया किधर है, गवर्नमेंट अपने खाते में लगा हुआ, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, पहले से भी खराब हो गया, अभी क्या है, जगह जगह देखो कचरा कुंडी है, और बोलते हैं डिमेज है, जगह जगह में गटर का पानी, ढक्कन नहीं है, नल है तो क्या नाम है, पाइप है तो नल नहीं है, जुलूम है ना गरीबों को, पर जुलूम है ये, क्या मनोवान, वो सुबह निकलो तो शाम को पता नहीं चलता यार, हालत तो वैसा हो जाता, वो तो पता नहीं चलता, मगर जो मुहाफिज है वो अलग तंग कर देता है, इसमें तो खुद बेजार है, उससे बंदा क्या बचेगा। गवर्नमेंट का जो हमारे मुहाफिज है वो हमें खुद परेशान करके रख देता है भाई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इतना चाहिए जो बंदा सुकून से इज्जत से अगर रोटी कमाता है, सही है, घर के लिए अगर इज्जत से रोटी कमाता है, फिर बच्चों को खिलाने के लिए, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये गवर्नमेंट हमें सहूलत क्यों नहीं देते।